प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति में हुई बातचीत। इमैनुएल मैक्रों ने हिंदी में किया ट्वीट, कहा हमारी साझेदारी की अहमियत को पुख्ता करने के लिए शुक्रिया। महंत नरेंद्र गिरि के शव का पोस्टमार्टम हुआ पूरा, महंत नरेंद्र गिरि की निकाली जाएगी शव यात्रा, दोपहर में दी जाएगी समाधि। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से असलाह मोटरसाइकिल बरामद। मुरैना में हुआ दर्दनाक हादसा, काशी बिजली गिरने से तीन लोगों की हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मोदी का अमेरिका दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे के बाद यानी कि अब से कुछ ही देर में अमेरिका के लिए रवाना होंगे और 26 सितंबर को भारत लौटेंगे। उनके साथ विदेश मंत्री एनएस सहित और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका जाएगा। 5 दिनों के अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी क्वाड समिट, कोविड ग्लोब समिट में हिस्सा लेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को भी संबोधित करेंगे। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की उनसे पहली मुलाकात होने जा रही है। इस मायने में मुलाकात बेहद अहम है। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात होगी और एप्पल के सीईओ टिम कुक ने से भी वो मिलेंगे। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। अफगानिस्तान, आतंकवाद, सुरक्षा, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अब से कुछ ही देर में अमेरिका के लिए रवाना होंगे और ये 3 दिवसीय दौरा उनका बताया जा रहा है। तो पीएम का अमेरिका दौरा, 22 सितंबर अमेरिका के लिए रवाना होंगे, 23 सितंबर को अमेरिका पहुंच जाएंगे। सितंबर को ऑस्ट्रेलिया, जापान के पीएम से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 24 सितंबर को पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात होगी जो कि बेहद अहम है क्योंकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। वहीं 24 सितंबर को क्वाड बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को यूएनजीए में पीएम मोदी का खास संबोधन रखा गया है। वहीं 26 सितंबर को स्वदेश लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की और इस पर खासा फोकस किया जा रहा है। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में कट्टरपंथ, उग्रवाद, सीमा पार आतंकवाद और वैश्विक आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की आवश्यकता पर चर्चा की उम्मीद है। द्विपक्षीय संबंधों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बैठक भी शामिल है। उपराष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की पहली औपचारिक बातचीत होगी। बैठक के दौरान अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भी चर्चा होने की संभावना है। महंत नरेंद्र गिरि की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, अब उनकी विदाई की अंतिम घड़ी जो है वो सामने आ चुकी है। भू समाधि के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। दूसरी ओर पुलिस की तरफ से आनंद गिरि, आद्य तिवारी और अन्य आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि का सुबह करीब 10 बजे पोस्टमार्टम पूरा हुआ। ये करीब 2 घंटे तक चला क्योंकि 8 बजे के बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ था। अब नरेंद्र गिरि के पार्थिव शरीर को अस्पताल से वापस लाया जा रहा है और समाधि की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं नरेंद्र गिरि मौत मामले में पुलिस ने करीब 12 घंटे तक आनंद गिरि से पूछताछ की है। पुलिस ने आद्य तिवारी, आनंद गिरि को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। इस दौरान सुसाइड नोट, हैंड राइटिंग को लेकर सवाल उठे हैं। आनंद गिरि ने पूछताछ में उसके खिलाफ साजिश होने की बात कही। उसने कहा कि उसका अब महंत जी के साथ कोई विवाद नहीं था। महंत आनंद गिरि, आद्य तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी तीनों से एक साथ भी मंदिर के चंदे से गड़बड़ को लेकर पूछताछ की गई। यूपी पुलिस हरिद्वार आश्रम से आनंद गिरि के लैपटॉप, फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रूबी, आखिरकार महंत नरेंद्र गिरि का जो पोस्टमार्टम है वो पूरा हो चुका है, समाधि की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, उनका शव अब मठ में लाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पोस्टमार्टम तो हो गया है, रिपोर्ट कब तक आएगी
और तैयारियां वहां कैसी हैं समाधि को लेकर, क्योंकि जो सुसाइड नोट सामने आया था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि उनको समाधि दी जाए, वो भी नींबू का जो पेड़ है उसके बिल्कुल समीप। रूबी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो रूबी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधेंगे। फिलहाल आपको ताजा जानकारी दे दें, महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम लगभग पूरा हो चुका है। 5 डॉक्टरों की टीम ने 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया और अब दोपहर करीब 12 बजे बागम्बरी मठ में भू समाधि उन्हें दी जाएगी। हालांकि पहले जानकारी मिल रही थी कि 23 सितंबर को उन्हें भू समाधि दी जाएगी, लेकिन आज पोस्टमार्टम पूरा हो गया है, ऐसे में आज ही उन्हें भू समाधि दी जाएगी। वहीं काफी संख्या में जो साधु संत समाज के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए, मठ के भी तमाम शिष्य वहां पर मौजूद हैं, आम जनता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंची हुई है। तो ऐसे में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल जो हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वहाँ पर लगाए हुए हैं, कोई भी वहाँ पर अप्रिय घटना ना हो, कोई बवाल ना हो, इस वजह से वहाँ पर तमाम तैयारियाँ की जा चुकी हैं। और लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है? रूबी, क्या मेरी आवाज मिल रही है? हाँ काजोल, अपना सवाल तो रही है। बिल्कुल रूबी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपसे, कुछ ही देर में भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को? काजोल देखिए, बट शरीर पहुंच चुका है, पहुंच चुके के थोड़े टाइम लगा और है, लेकिन रास्ते में काफी तैयारियों के साथ उसको अंतिम विदाई दी जा रही है। और लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये आया है कि विद्रा को सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन जो दम घुटने की वजह बताई गई अभी तक में जो खुलासा किया गया, हालांकि इस मसले में अभी देखा जा रहा है कि जो शरीर है यानी कि अब उसको समाधि दी जाएगी, और नरेंद्र गिरी की जो मौत का मामला है लगातार संगीन होता ही जा रहा है, क्योंकि विपक्ष हो या पक्ष हो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आत्महत्या ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। और इसके साथ ही साथ काजोल की जो टीचर कहा जा सकता है वो लोगों को प्रेरणा देता था, तो ऐसे में जो आरोप आ रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या करी है, लेकिन साजिशन जो देखा जा रहा है उसमें यही निकल के आया कि अभी तक में जो पुलिस है उसका भी ये कहना कि कहीं ना कहीं ये खुलासा अभी बाद में इसका किया जाएगा, हत्या है या फिर ये उन्होंने आत्महत्या की है। काजोल एक इसके साथ बता दूं, अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है बट में काफी लोग ऐसे भी लोग दूर दूर से पहुंचे हैं जिनसे लोग प्रेरणा लेते थे गुरु जी से, यानी कि शिष्य हो या आम जनता हो, पूरा मठ इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर ऐसे कैसे जा सकते हैं, कोई विदाई जो है वो कैसे ऐसे दम आंखों से दी जाए, क्योंकि तो काफी सरल और अच्छे स्वभाव के नरेंद्र गिरी थे जिसकी वजह से लोग प्रेरणा लेते थे और लोग पहुंचते थे उनके पास, काफी घंटे अपने लिए निकाल के उनके पास बैठते थे, उनसे शिक्षा लेते थे, अब ऐसे में उसको खो देना कहीं ना कहीं। बिल्कुल रूबी, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो 3 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, इन तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। जो आनंद गिरी का लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, बाकी जो तमाम चीजें हैं उनकी भी जांच की जा रही है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? काजोल, आनंद गिरी पहले से भी अपनी बात को लेकर बोल रहे थे कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अब पुलिस ने उसको जब से हिरासत में किया है अब कोर्ट की जांच होगी, उसके बाद उसके लैपटॉप की जांच होगी, यहाँ तक इसके जितने भी पुराने कॉल थे उनको सर्च किया जाएगा, इसके साथ ही साथ जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे को भी खंगाला जाएगा, और इसके साथ ही साथ यहाँ से जो आनंद गिरी थोड़े टाइम के पहले उसके साथ रहते थे उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि नरेंद्र गिरी उसको निकाल देते हैं अपने मठ से, और उसके बाद आनंद गिरी जो है उसका ये कहना रहा कि मेरी कोई ऐसी आपसी मतभेद नहीं थे, मैं बहुत सम्मान करता था गुरु जी का, लेकिन अभी ऐसे जो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं इसका बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए और मेरे ऊपर जो भी ऐसी उंगली उठ रही है उसके लिए मैं बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हूँ। हालांकि पुलिस का जो फर्स्ट रिपोर्ट जो है उसमें ये निकल के यही आया है कि सबसे पहले इनके जितने भी कॉल डिटेल है या जांच जो भी की जाएगी या लैपटॉप है
इसके साथ ही साथ हैंडराइटिंग के लिए भी कहा जा रहा है कि हैंडराइटिंग भी मिलाया जाएगा। और कल सीएम खुद पहुंचे थे, उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। बिल्कुल रूबी, यहाँ एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जो तैयारियां हैं भू समाधि की वो किस तरह से चल रही हैं। देखिए साधु संत समाज के जो लोग हैं, मठ के जो लोग हैं, वो काफी ज्यादा नाराज हैं। इसके अलावा जो आम लोग हैं वो भी नाराज हैं, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच हो। तो ऐसे में तैयारियां कितनी पुख्ता है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि आज स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, शैक्षिक संस्थान बंद हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि भीड़ में लोग गुस्साए होते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। काजोल, ऐसे जो मामले होते हैं वो काफी सेंसिटिव, और ऐसे में पुलिस काफी बहुत बड़ी चेतावनी होती है कि ऐसे मामलों को बहुत ही सरलता के साथ संभाले। हालांकि प्रयागराज ही क्यों ना हो और इसके आसपास के जितने भी धार्मिक जगह है उनको हर जगह अलर्ट कर जारी कर दिया गया। हर एक डीएम एसपी को खास निर्देश दे दिए गए इसी बात को लेकर कि अपने अपने जिलों में खास तौर से निगरानी रखें कि कहीं ऐसी कोई अनहोनी घटना न घट जाए। अब प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो वो छावनी में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है, क्योंकि गुरु जी काफी ऐसे गुरु थे कि उनको लोग जान सकते थे अपनी, और वहां तक उनको मिलने के लिए पहुंचने के लिए घंटों लाइन में भी खड़े रहते थे। और अब आखिरी विदाई है यानी कि भू समाधि अब उनको जब दी जाएगी तो वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि उनको देखने के लिए, झलक पाने के लिए। आज का दिन काफी पुलिस के लिए चुनौती भरा जरूर होगा। हालांकि खुद एडीजी लॉ, उन्होंने खुद कमान संभाल रखी है, लखनऊ से लगातार डीजीपी के संपर्क में बनाए रखे हुए हैं, और यहाँ तक कि मौका लगा तो सीएम कल भी बोले थे कि अगर मौका लगेगा तो पूरी टीम वहाँ पे, जो फॉरेंसिक टीम होगी या फिर यहाँ के जो स्पेशल टीम जो होगी उनको वहाँ पे तैनात कर दिया जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा आज चुनौती का दिन है पुलिस के लिए खासतौर से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रूबी। तो लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल आनंदगिरी के जो लैपटॉप हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उन सभी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। गनर अजय समेत सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की गई है। खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार आनंदगिरी और आदित्य तिवारी समेत अन्य आरोपियों को 12 बजे के बाद कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह कोरोना के ताजा आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 26,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए हैं। इससे एक दिन पहले 26,115 केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 383 कोरोना संक्रमितों की जांच चली गई। 34,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि 7,586 एक्टिव केस कम हो गए हैं। केरल में मंगलवार को कोविड के 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से प्रदेश में 214 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 45,00,000 से ज्यादा है, जबकि मरने वालों की तादाद 23,000 से ज्यादा हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,61,195 है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,35,41,000 लोग संक्रमित हुए, इनमें से 4,45,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,27,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या करीब 3,00,000 है। कुल 3,00,000 से ज्यादा लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। बलरामपुर बीजेपी जिला कार्यालय के अटल भवन पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि जनमानस पिछली सरकारों के घोटालों से त्रस्त था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के मार्गदर्शन में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार विकास के लिए नए रास्ते खोल रही है। नारी सम्मान, किसान सम्मान को महत्व मिल रहा है। सरकार लगातार जनहित में कार्य कर रही है। गांव में गरीबों को आवास, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना में हर गरीब को 5,00,000 रुपए का रक्षा कवच मिला है। भगवान राम हम सभी के आराध्य हैं, जिनके भव्य मंदिर का निर्माण भी अब हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं। हमारी सरकार में बहु बेटियां सुरक्षित हैं। हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम लगातार छू रही है और आगे भी यूं ही छूती रहेगी। आगरा में आबकारी विभाग ने थाना नाय की मंडी क्षेत्र में कार्रवाई करने के बाद गांव कोराई, गांव सोन और थाना खेरागढ़ क्षेत्र में भी बड़ी कार्रवाई की।
आबकारी विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर देसी शराब का ठेका और बियर की दुकान पर छापेमारी कर 15 लीटर कच्ची शराब, 66 देसी शराब और 10 केन बियर की अवैध शराब बरामद की है। वहीं आबकारी विभाग की कार्रवाई से शराब माफियों में हड़कंप मच गया है। साथ ही सभी शराब के ठेकेदारों पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। तो आगरा में आबकारी विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है शराब माफियों में, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहां पर आबकारी विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। छापेमारी की वजह से शराब माफियों में हड़कंप तो है ही, साथ ही साथ अवैध जो शराब है यहां से भारी मात्रा में बरामद की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर सामने नहीं आई है। आगरा के बसई अरेला क्षेत्र में राजस्व टीम और पुलिस ने गरीब के घर पर बुलडोजर चला दिया, जिसके चलते गरीब परिवार बेघर हो गया। वहीं राजस्व टीम ने गरीब परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नोटिस के बाद भी अवैध कब्जा नहीं खाली कराया गया। वहीं इस मामले पर पीड़ित पक्ष का कहना है कि मकान खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसी के साथ पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सामान निकालने से पहले ही बुलडोजर चला दिया गया, जिसके चलते मलबे में सारा घरेलू सामान भी नष्ट हो गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि खेत के मालिक की शिकायत पर राजस्व टीम ने अवैध रूप से खेत में बने मकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। तो आगरा का एक पूरा मामला है जहां पर मलबे में अभी भी गरीब का सामान जो है वो पूरी तरह से दब चुका है। गरीब के आशाने पर बुलडोजर चला है। उनका कहना है कि सामान निकालने से पहले ही हमारा जो आशियाना था वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सामान निकालने से पहले ही इस पूरे मकान को तोड़ दिया गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने और परिवार वालों ने काफी ज्यादा हंगामा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम स्थल पर टेंट लगाया गया है, सड़कों की साफ सफाई की जा रही है, डिवाइडर को भी रंगा गया है। भारी पुलिस फोर्स दादरी में तैनात है। दादरी में हाई अलर्ट घोषित कर जगह जगह जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स ने दादरी के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च भी किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। सहारनपुर में मेयर संजीव वालिया ने प्रदेश सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। नगर निगम के सभागार में पत्रकार वार्ता में मेयर संजीव वालिया ने कहा कि 2 महीनों के बाद सहारनपुर स्मार्ट सिटी के रूप में सामने आएगा। महानगर में जो कार्य काफी सालों से लंबित चले आ रहे थे, बीजेपी सरकार में उन सबको पूरा करने का काम किया गया। वही इस दौरान पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक राजीव कुंबर, बीजेपी अध्यक्ष राकेश जैन समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के सफलतम 4.5 साल पूरे होने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित की गई थी। उसी संदर्भ में हर विधानसभा में प्रदेश संगठन द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस रखी गई है। उसी क्रम में आज यहाँ सहारनपुर में एक प्रेस रखी गई, जिसमें आदरणीय हमारे नगर अध्यक्ष जी, मैं यही कहूँगा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर हम अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। 6 महीने बाद हम चुनाव में जा रहे हैं और जो पूरे प्रदेश के संदर्भ में योगी जी ने कहा है वही मैंने सहारनपुर के संदर्भ में, सहारनपुर में भी जो कमज़ोर व्यक्तियों के प्लॉट्स वगैरह पे कब्जा हुआ करते थे या सरकारी संपत्तियों पे जो कब्जे हुआ करते थे वो कब्जे छुड़वाने का काम हमने इस 4 साल में किया है। और आप देख सकते हैं नेहरू मार्केट में 6,000 मीटर जो जगह थी जो बिल्कुल बाज़ार के बीचों बीच, उसे हमने कब्जा मुक्त कराया। और जो प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों पर कार्य हो रहा है वो सब आपके संज्ञान में ही। सहारनपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद अब भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता भानु प्रताप सिंह ने भी किसान महापंचायत का आह्वान कर दिया है। वो 3 अक्टूबर को महापंचायत करेंगे, जिसमें 8 से 10 लाख किसानों के पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वास्तविक किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होगी और केवल किसानों के मूल मुद्दों पर ही बातचीत होगी। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ या उप मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। दिनेश शर्मा जी आएंगे, कौशल वो जो है
केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी आएंगे, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आएंगे, इतने ढेर मंत्री, उनमें से कोई न कोई तो आएंगे। किसानों की कितनी संख्या आने की आशंका है आपके? किसानों की तो संख्या का कोई पता नहीं, अपार भंडार है भारतीय किसान यूनियन के भारतीयों का और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का और भारतीय किसान यूनियन से संबंधित किसानों का अपार भंडार है और हमारे मोर्चे हैं। देखिए तीन अक्टूबर को जो हम लोग पंचायत रखते हैं उसका मकसद सिंपल सा है कि हम चाहते हैं कि किसान की समस्या जो जेन्युइन किसान है उनकी समस्याओं को सरकार का हल करा जाए, जिसके तहत हमने उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को आमंत्रित भी किया, केंद्र के मंत्रियों को भी आमंत्रित किया कि आप हम पे अगर विश्वास नहीं करते हो आके स्वयं देखें किसानों की समस्याएँ क्या हैं, किसान कैसे जूझ रहा है और किसानों की प्रॉब्लम को पूरी चीज़ों को समझा सकें। ये सब चीज़ों के लिए हम पंचायत कर रहे हैं, ये हमारा मकसद है। कितनी संख्या आना अधिक? हमारे हिसाब से 5 से 10 लाख लोग, हमारे हिसाब से, क्योंकि हम हर गांव हर शहर में पंचायत कर रहे हैं छोटी छोटी और सभी किसान भाइयों को आमंत्रित कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर बात होगी पंचायत में? देखिए कृषि कानून एक चीज़ है, कानून बन गया है, कानून बन जाने के बाद वापस नहीं होता, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है और हमसे लगता है गवर्नमेंट को किसानों को बुला के बिल्कुल चर्चा करेंगे अगर सरकार चाहेगी। हम चाहते हैं किसान आयोग का गठन और किसानों का कर्जा माफ, वो हमारी मुख्य मांग है। तीसरा मुख्य मांग है गन्ना किसानों पे, गन्ना किसानों पे हम लोगों ने 5 रुपये का भी बढ़ोतरी हुई, हम चाहते हैं कम से कम पंजाब के किसानों की तरह 360 रुपये हो जाए। मऊ में लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी का आगमन हुआ, जिनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर फूल की माला पहनाकर किया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदीप तिवारी ने सरकार के हुए 4.5 साल को जुमला बताया। वहीं जब मीडिया से मुख्तार अंसारी पर सवाल किया तो वो भड़क उठे और सरकार की जमकर आलोचना करने लगे। लगी है जुमला पार्टी है तो क्या मुख्तार सही है? जुमला पार्टी है, मुख्तार सही है, भारतीय जनता पार्टी नंबर फैलाने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का काम खत्म हो चुका है तो मुख्तार सही है। पार्टी सुने, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के ताबूत पे आखिरी कील ठोकने का काम जो नौजवान करने जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।